से थोड़ा सा समय निकालकर परमात्मा को दो। चलते समय में भगवान ये कभी नहीं कहता कि तुम अलग से कोई समय दो, भगवान कह रहा है 24 घंटे में जो समय तुम्हारे पास में है उस समय में से थोड़ा सा समय निकाल कर आप परमात्मा को दे दीजिए। अलग से भगवान को कुछ नहीं चाहिए, अलग से भगवान लेना भी नहीं चाहता। भगवान तो कहते हैं जो तेरा चल रहा है उसी चलते में काम करो। दुकान अच्छी चल रही है, किराने की दुकान अच्छी चल रही है, कपड़े की दुकान अच्छी चल रही है, घी की दुकान अच्छी चल रही है, बर्तन की दुकान अच्छी चल रही है, किराने की दुकान अच्छी चले, कहीं मौका मिल जाए, किसी गरीब कन्या का विवाह है, किसी गरीब बड़े के घर में शादी है और बेटी को ब्याह है, और तुम्हें मालूम पड़ जाए कि गरीब की छोरी का ब्याह है, तो किराने की चलती हुई दुकान में से थोड़ा सा सामान निकाल कर उस बेटी के ब्याह में पहुंचा दो, चलते में दान कर। कपड़े की दुकान है चल रही है, चलती दुकान में से थोड़ा सा कपड़ा निकाल कर ले, सब उनकी बेटी का ब्याह है नहीं उसके पास में इतना, ले ले जाओ सब दिया। बर्तन की दुकान है चलती दुकान में से थोड़ा सा निकाल कर पात्र ले, सब मैं कन्यादान में मैंने ये 5 बर्तन भेज दिए, मैंने 10 बर्तन भेज दिए, चलते में कर्म करिए। किराने की चलती हुई दुकान से थोड़ा सा किराना निकाल दोगे मालूम नहीं पड़ेगा, कपड़े की दुकान में से चलती हुई दुकान में से थोड़ा कपड़ा निकाल दोगे मालूम नहीं पड़ेगा, उसी तरह बर्तन की चलती हुई दुकान में से थोड़ा सा बर्तन निकाल दोगे मालूम नहीं पड़ेगा, उसी तरह इन 24 घंटे जो चलते रहते हैं इन 24 घंटे में से अगर 3 घंटा महादेव के लिए निकाल दोगे तो मालूम नहीं पड़ेगा, ये मालूम नहीं पड़ने वाला, ये आनंद गला पकड़ता, ये सुख ये आनंद देने वाला, समृद्धि देने वाला। चलते में निकालिए, जब चलते में निकालोगे तो उसका एक आनंद दूसरा है। इसी तरह से जाना आज के वीडियो में कि दान कैसे और किस तरह से करना चाहिए। और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।